सेकेंड एपिसोड ऑफ एनिमी न्यूज पे आप सभी का स्वागत है। आज बहुत न्यूज आया है एनिमी कमेडी से, जैसे टोक्यो रिवेंजर्स 2 के लाइव एक्शन के बारे में, JFF चेन्नई में थर्ड डे कलेक्शन और माकोटो शिंकाई मूवी सुजुमी के बारे में और भी बहुत कुछ। तो वीडियो थोड़ा लंबी होगी तो लास्ट तक बने रहिए। पहले बात करते हैं टाइटल रिवील, की विजुअल और प्रमोशनल वीडियोस के बारे में। लाइव एक्शन मूवी टोक्यो रिवेंजर्स 2 के टाइटल रिवील हो चुके हैं, जहां पहले फिल्म का नाम है चीनो हैलोवीन उनमें या ब्लडी हैलोवीन फेथ और दूसरे फिल्म का टाइटल होगा चीनो हैलोवीन केसन या ब्लडी हैलोवीन डिसेसिव बैटल। और साथ ही इसका की विजुअल भी रिलीज हुआ है, जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। नेक्स्ट न्यूज की बात करते हैं और वो है हैंडीमैन साइतो इन अनदर वर्ल्ड या काजुतोमो इचितोमो बेनराई साइतो सान इसाकाई ने इको एनिमे का न्यू प्रमोशनल वीडियो रिलीज किया है और इसका एंडिंग थीम सॉन्ग हिदामारी नो साइदो सनी स्पॉट सैचुरेशन बाय कोनो को भी रिलीज किया। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दूसरे में बात करते हैं और वो है मांगा और गेम्स के रिलेटेड। फ्लैग पिक्चर ने अनाउंस किया है कि कैंडी कलर पैराडॉक्स या अमोरो पैराडॉक्स मांगा को लाइव एक्शन टेलीविजन एडाप्टेशन मिलेगा। नेक्स्ट न्यूज की बात करते हैं और वो है विस मीडिया और मांगा प्लस दोनों ने इचिनोसो फैमिली डेडली सीन मांगा को इंग्लिश लैंग्वेज में दिखाना शुरू कर दिया। नेक्स्ट न्यूज की बात करते हैं और वो है कोदोकावा कॉमिक बीइंग मैगजीन ने ये रिवील किया है कि यूरिको हारा कुकुन एंड वाइंड मांगा दिसंबर 12 को एंड हो जाएगा। नेक्स्ट न्यूज की बात करते हैं वो है कोदांशा बेसात्सु फ्रेंड मैगजीन ने ये रिवील किया है कि आयु वातानाबे अराशी कुन नो दाकी माकुरु या अराशी हक पीलो मांगा जनवरी 13 को एंड हो जाएगा। नेक्स्ट न्यूज की बात करते हैं और वो है कोरोकोरो कॉमिक मैगजीन ने ये रिवील किया है कि हिरोयुकी ताकाई शमन किंग और आर्टिस्ट युकी इमानदार तेंगुकुन और रायंगलोंग ने मिनी फॉर मांगा को खत्म कर दिया और इसका ऑनलाइन रिलीज कोरोकोरो कॉमिक वेबसाइट में दिसंबर 17 को होगा। नेक्स्ट न्यूज की बात करते हैं वो है कोरोकोरो कॉमिक मैगजीन ने ये भी रिवील किया है कि एस एंगुलर फिशिंग स्पिरिट गेम को मांगा एडेप्टेशन मिलेगा। नेक्स्ट न्यूज की बात करते हैं वो है डेमन स्लेयर द हिनाकामी क्रॉनिकल गेम में नया ग्यूतारो पेट DLC पैक ऐड किया जाएगा। नेक्स्ट न्यूज की बात करते हैं वो है गेम अवार्ड 2022 में ये अनाउंस किया है कि एल्डर रिंग नॉमिनेट हुआ है बेस्ट गेम डायरेक्टर, बेस्ट नैरेटिव, बेस्ट आर्ट डायरेक्शन, बेस्ट स्कोर एंड म्यूजिक, बेस्ट ऑडियो डिजाइन एंड बेस्ट रोल प्लेइंग के लिए। और Xenoblade Chronicles 3 भी नॉमिनेट हुआ है बेस्ट स्कोर एंड म्यूजिक और बेस्ट रोल प्लेइंग के लिए। तीसरे में है छोटा लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट। एनिमे NYC या एनिमे न्यूयॉर्क स्टाफ ने AMN को रिवील किया है कि अगले साल का इवेंट 17 से 19 नवंबर 2023 में होगा, जहां वो लोग देख रहे हैं कि इवेंट को और भी बड़ा कैसे किया जाए। नेक्स्ट न्यूज की बात करते हैं और वो है न्यू चितोसो एयरपोर्ट इंटरनेशनल एनिमेशन फेस्टिवल 2022 इवेंट में रियोगा सुजुकी लॉलेस लव शॉर्ट एनिमे ने जापान ग्रैंड प्रिक्स अवार्ड जीता है। नेक्स्ट न्यूज की बात करते हैं वो है कैंप फायर कुकिंग इन अनदर वर्ल्ड विद माय एब्सोल्यूट स्किल या तोंदेमो स्किल दे इसाकाई होरोमेशी लाइट नॉवल एनिमे का एंडिंग थीम सॉन्ग को युमा उचिदा से परफॉर्म करवाया जाएगा, जिसका नाम है हैप्पी गो जर्नी। नेक्स्ट न्यूज की बात करें तो वो है जंग फेस्ट 23rd इवेंट ने ये अनाउंस किया है कि ताकाहिरो साकुराई जिसने बहुत एनिमे कैरेक्टर को आवाज दी है वो अभी जुजुत्सु काइसेन इवेंट को अटेंड नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट न्यूज की बात करें तो वो है टैलेंट एजेंसी गेकिदान हिमावारी ने यह अनाउंस किया है कि वॉइस एक्ट्रेस युमे मियामोतो अभी एक ब्रेक पर जाएगी उनकी बिगड़ते हुए तबियत को लेकर। वो काम करेगी लेकिन बहुत कम, तो आशा करते हैं कि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए। नेक्स्ट न्यूज की बात करें तो वो है माकोटो शिंकाई की मूवी सुजुमे नो तोजी मारू फिल्म ने अपने तीसरे दिन पूरे वर्ल्ड वाइड में 1.88 बिलियन येन या $13.49 मिलियन या अराउंड 8.1 करोड़ के आसपास की कमाई की है। चौथे में आते हैं जो है इंडियन एनिमे न्यूज। JFF इंडिया या जापान फिल्म फेस्टिवल इंडिया ने स्क्रीनिंग शेड्यूल को अनाउंस किया है चेन्नई के लिए, जहां माकोटो शिंकाई की मूवी इम्फाल में नवंबर 19 से 20 तक, शिलोंग में दिसंबर 16 से 17 तक और गुवाहाटी में जनवरी 21 से 22 तक दिखाई जाएगी नजदीकी PVR INX थिएटर में। नेक्स्ट न्यूज की बात करें तो वो है पोकेमॉन एशिया यूट्यूब चैनल ने पोकेमॉन अल्टीमेट जर्नी और पोकेमॉन DP गैलेक्टिक बैटल दोनों को वीकली बेसिस पे स्ट्रीम करना शुरू कर दिया। आज के लिए बस इतना ही और ऐसे न्यूज के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा दीजिएगा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय गुड नाइट सी यू माइक ड्रॉप।